मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है। IMD के मुताबिक दिल्ली, ओडिशा, UP सहित कई राज्यों में शनिवार को हल्की बारिश का अनुमान है, जो सोमवार तक जारी रह सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने मौसम के एक सिस्टम के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश के बाद दिल्ली के NCR के तापमान में गिरावट आ सकती है। एक तरह से कह सकते हैं कि दिल्ली में सर्दियां दस्तक देने वाली है। बता दें, अब मानसून वापस जा रहा है, लेकिन दक्षिण भारत में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अभी और बारिश का सिलसिला जारी है। वहीं गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के अधिकांश भाग, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में मानसून वापसी के लिए परिस्थिति अनुकूल होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में शनिवार 16 अक्टूबर को हल्की बारिश का अनुमान है। रविवार 17 अक्टूबर को भी दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और मध्यम बारिश का अनुमान है। IMD के मुताबिक 19 अक्टूबर को भी दिल्ली में हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि इसके बाद 2-3 दिनों तक हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के असर और ताजा पश्चिमी विक्षोभ बनने के कारण राजधानी लखनऊ सहित UP के कई हिस्सों में 15 से 17 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है। IMD के मुताबिक पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव के गठन के कारण ओडिशा में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और गरज के साथ भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। IMD भुवनेश्वर के निदेशक ने बताया है कि 15 से 19 अक्टूबर तक ओडिशा के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होगी। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।